हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मोनो एंटरटेनमेंट और मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ सोरास 855 FE मॉडल का जो क्राउन है, वो क्राउन कैसे खोलते हैं ये वीडियो में दिखा दूंगा आप लोगों को। देखिए यही क्राउन है, पहले तो जो ब्रेक ड्रम है, ब्रेक ड्रम खोल लेना है दोनों साइड। अभी देखिए ये ब्रेक ड्रम तो खोल दिया, अभी ब्रेक शू निकल रहा हूँ। देखिए ये जो ब्रेक का जो ऑयल सील का जो कवर है, ये खोल लेना है। यहाँ देखिए ये खोल रहा हूँ। एक्सेल का जो बड़ा वाला नट रहता है पिनियन का, ये तो दोनों खोल दिया है मैंने। बड़ा वाला जो टायर है, दोनों टायर खोल लेना है, खोल के एक्सेल को निकलना है। ये देखिए एक्सेल का दो चार बोल्ट रहता है, ये बोल्ट खोल के एक्सेल को बाहर निकलना है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सोरास 855 FE मॉडल का जो क्राउन है, उसका पिनियम कैसे फिटिंग करना है, इसका नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए एक बड़ा वाला जो पिनियम रहता था वो एक तो निकल दिया है, अभी दूसरा भी निकलना है। यहाँ पे देखिए जो क्राउन का ओपिनियन है, सब तो निकल के बाहर लेके आया। क्राउन का अंदर जो एक बियरिंग था छोटा वाला, वो बियरिंग तो खराब हो गया, उसका एक गोल्टी निकल रहा है। क्राउन का देखिए यहाँ जितना बोल्ट है, बोल्ट पहले खोल लेना है।
अब देखिए ये बोल भी खोल रहा हूँ मैं। ये देखिए ये तो निकल गया अभी। इसका जो बबल पिनियम है इसका थोड़ा साउंड आ गया था। ये देखिए ये पिनियम तो खराब नहीं हुआ, जो छोटा छोटा बबल पिनियम है वो भी खराब हो गया। ये देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा इसके प्रॉब्लम क्या थे। ये देखिए कैसे हो गया, ये भी देख लीजिए। देखिए यह देखिए कितना प्ले हो गया अंदर। ACDI 5550 मॉडल का जो मैंने फुल गियर बॉक्स का पिनियम कैसे फिटिंग करना है ये आप लोगों को आइकन में दिख जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद वो भी देख सकते हो आप लोग। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जाके चेक कर सकती हो।